यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सीडेंट हुआ है। ओहो, बहुत बुरी तरह से हुआ है, शायद से ये टर्निंग में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। टुडे इज़ द 5th डे ऑफ आर राइड टू कच्छ। तो हम आज हैं मातोनमढ़। तो अभी हम सुबह 6 बजे उठे हैं और अभी जाएंगे मंदिर में, माता के दर्शन लेंगे। आज संकष्टी भी है, जो मेरा व्रत होता है, डोंट हैव फूड, आई हैव इट इन द नाइट ओनली। तो अभी हम चलते हैं मंदिर की तरफ और देखेंगे कि कुछ फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, सो दैट यू नो आई कैन एटलीस्ट हैव अ सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकफास्ट। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, मातोनमढ़। तो यहाँ पे कुछ दुकानें हैं जहाँ पे आपको प्रसाद का सामान, पूजा की सामग्री, ये सब मिलता है जो आप लेके जा सकते हैं साथ में माता के दर्शन के लिए। तो हम भी देख लेंगे। हमको अभी, सिंस हम लोग बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ प्रसाद नहीं लेना है। हाँ, बस घर लेके जाने के लिए मुझे थोड़ा सा प्रसाद मैं ले लूँगा। तो गाइस, ये है मुख्य द्वार। मातोनमढ़ का मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पे गया। श्री कितने गए इसमें प्रसाद है? नहीं, मुझे ये दे दो, थोड़ा सा प्रसाद ले दीजिए मुझे घर लेके जाने के लिए। हाँ, चुनरी दे दो, चुनरी दे दो, चुनी का थाल है वो, प्रसाद भी चाहिए तो थोड़ा, 10 वाला भी है, 50 वाला भी है, 20 वाला, 30 वाला। ये कितने वाला है? 50। ओके, ठीक है, ये एक मुझे दे दो और चुनरी दे दो। और ये तो गाइस, हम अभी ये प्रसाद और माता के लिए कुछ फूल ले रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, हम लोग बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़्यादा मैं प्रसाद लेके नहीं जाना चाहता, तो रखने में दिक्कत होगी। ये 50 रुपये प्रसाद है, 100 रुपये। ओके, ठीक है। तो गाइस, अभी हम माता के दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। हमने थोड़ा सा प्रसाद ले लिया है और अभी हम दर्शन के लिए जाएंगे। तो ये मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत है ये। तो यहाँ पे हम अपने जूते चप्पल जो भी हैं, यहाँ पे स्टैंड बनाया गया ताकि आप यहाँ पे रख सकें और फिर यहाँ से आप दर्शन के लिए अंदर जा सकते हैं। अभी ये वीकडे है, इसके लिए ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं है, वरना अगर वीकेंड को काफ़ी भीड़ होती रहेगी। लेकिन फिर भी काफ़ी श्रद्धालु हैं यहाँ पे। सुबह 7 बज रहे हैं, तो जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ही श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे। ये मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं अभी कैमरा बैग के अंदर डालता हूँ, फिर दर्शन करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सुबह से हमारे मंदिर माता के दर्शन अभी हो चुके हैं। तो अभी हम मंदिर के बाहर हैं और हमें पता चला ये पास में ही, जस्ट नेक्स्ट टू द टेम्पल, यहाँ पे ये यात्री निवास है जहाँ पे श्रद्धालुओं को रहने की सुविधा बनाई गई है मंदिर की तरफ से। यहाँ पे लंगर भी होता है, तो ये लंगर हॉल है सामने और ये पूरा यात्री निवास है ऊपर। ये माता का मंदिर जो है साथ ही में, वहाँ पे एक यात्री निवास है
जहाँ पे निःशुल्क बिना फ्री ऑफ कॉस्ट रहने की सुविधा और लंगर होता है जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। तो इसकी कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, फ़ोन पे भी नहीं होती है, तो आपको यहाँ पे खुद आना है। जब आप आओगे, अगर ये अवेलेबल रहेगा, ये आपको फ्री में दिया जाएगा। सो दोस्तों, मातानो मढ़ ये जो मंदिर है, ये लखपत डिस्ट्रिक्ट, कच्छ कर लखपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसकी विशेषता ये है कि ये आशापुरा माता का मंदिर है। आशापुरा माता को कच्छ की कुलदेवी भी माना जाता है, तो ये इसकी स्पेशलिटी है। तो मैं अभी आपको इस मंदिर का आसपास का एरिया में घुमाता हूँ। कुछ ही देर में काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं मंदिर में। हम जब भी आए तभी इक्का दुक्का थे, लेकिन आप देख सकते हो जैसे टाइम बीत रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है। चलो, अच्छी बात है, हम जल्दी आए हैं, अच्छी तरह से शांति से हमें दर्शन मिले हैं। तो आज का प्लान ये है कि हम आज निकलेंगे यहाँ से लखपत, और फिर हम वहाँ से जाएंगे नारायण सरोवर। तो चलो गाइस, फिर हम आगे मिलते हैं आपसे। तो गाइस, अभी हमने हमारे जूते ले चुके हैं, तो अभी हम देखते हैं आसपास में क्या है, मार्केट में क्या मिलता है। एंड जैसे मैंने कहा, आज हमारा व्रत है, तो मैं कुछ देखता हूँ मुझे फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं क्या। तो आशापुरा माता के दर्शन लेके आप जब बाहर आते हो, तो ये सामने ही हिंगला माता का भी मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, उसे भी काफ़ी अच्छी तरह से बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है। सो गाइस, अभी हम मंदिर के बाहर हैं और वी आर हैविंग टी। तो दिन की शुरुआत एक अच्छी खासी चाय से हो तो फिर दिन काफ़ी अच्छा कटता है, ये हमने सुना है और हम खुद भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं। सो गाइस, अभी हम ये मंदिर के आसपास का जो एरिया है उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। काफ़ी कलरफुल लग रहा है, इतनी सारी चुनरिया लगी है, प्रसाद है, फूल है। लोग शॉपिंग कर रहे हैं। और हम ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे हमें कुछ फ्रूट्स मिल जाए ताकि हम नाश्ता कर सकें। नाश्ता एज इन पेट को संभालने के लिए पूरा दिन, क्योंकि हम खाना तो रात को ही खाएंगे। तो गाइस, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हमने फ्रूट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि मार्केट अभी खुला नहीं है पूरी तरह से। तो अभी भूख तो लगी थी, तो हमने सोचा कि एक माजा लेते हैं और फराल चूड़ा, विच इज़ बेसिकली जो जब भी फास्ट होता है तो फराल चूड़ा खाते हैं। मतलब इवन महाराष्ट्र में भी फराल चूड़ा ही बोलते हैं, गुजरात में भी फराल चूड़ा बोलते हैं। तो हम लोग वो खा रहे हैं ताकि थोड़ा पेट को आराम मिले, एंड देन हम लोग देखेंगे कहीं पर फ्रूट्स मिलते हैं क्या। सो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं फ्रॉम मातानो मढ़ टू लखपत, जो यहाँ से 40 किलोमीटर्स है मातानो मढ़ से। सुबह के अभी बज रहे हैं 8:30। सो गाइस, ये जो रोड है जो लखपत जाता है, काफी अच्छा रोड है। एक का दुक्का छोटे से नट पॉटल हो सकते हैं, पैचेस है, बट अदरवाइज अ वेरी गुड रोड।
सो गाइस बेसिकली अभी हम नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजर रहे हैं। क्योंकि अभी हमने एक बोर्ड देखा जिसपे लिखा था कि नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सीडेंट हुआ है, लगता है ये अभी अभी हुआ है। ओहो हो, बहुत बुरी तरह से हुआ है, शायद से ये टर्निंग में। सो गाइस जरा संभाल के गाड़ी चलाइए, बिकॉज इट्स योर लाइफ विच इज एट स्टेक। थोड़े लेट पहुंचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ पहुंचना जरूरी है। गाइस के सामने बोर्ड है, इट सेज वेलकम टू सिवट केव्स, तो शायद से ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स के केव्स है जो यहाँ से 11 किलोमीटर है। हम तो अभी यहाँ पे नहीं जाने वाले हैं, बट दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो ये क्या जानवर है? ओके, इट्स अ पिग, यानी सुअर। सुअर का बच्चा था, तो यहाँ पे शायद जंगल जैसा है, मतलब काफी सारी झाड़ियां हैं, तो ये इन्हीं में रहते रहेंगे। गाइस रोड इतना जबरदस्त है ना, मजा आया गाड़ी चलाने में। आप देख सकते हो सीधे सीधे सीधे, कुछ भी नहीं दूर दूर तक, कुछ भी नहीं। सो गाइस आप देख सकते हो राइट साइड में, दिस इज द लखपत फोर्ट, हम अभी इसी में जाने वाले हैं। इट्स अ बिग फोर्ट, क्योंकि सामने जो एंड में देखोगे आप वहां भी है ये, उसके आगे भी है और इस तरफ भी है। सो वी डोंट नो हिस्ट्री ऑफ दिस फोर्ट, लेकिन हम आगे जाके जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या है।